नमस्कार। तो पिछली वीडियो में अपन ने देख लिया था कि किस तरह ट्राइकी की 90 फ्लीट्स आती है और यहाँ पे कॉलर्स फ्लीट से और यहाँ के ड्रैगन से लड़ती है ब्लैक्स के। शिप बैटल जीत तो ब्लैक्स जाते हैं, लेकिन इस वॉर के अंदर वर्मैक्स और उसका ड्रैगन रेडर जेकेरस वलेरन दोनों मारे जाते हैं। इसके अलावा कॉलर्स फ्लीट की एक तिहाई फ्लीट्स तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा उसकी जो स्पाइस टाउन, हाई टाइट, जो भी बड़े शहर उसने इतने डेवलप्ड किए होते उन सबको जला दिया जाता है। मतलब कि हाउस वलेरन को बहुत भारी नुकसान होता है। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि साउथ के अंदर क्या चल रहा था। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ओरमंड हाई टावर यहाँ पे किंग्स लैंडिंग आ रहा है ग्रीन्स को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी सी फौज लेकर, लेकिन उसको बीच में दो तीन हाउसेस परेशान कर रहे थे जो कि ब्लैक्स को सपोर्ट करते हैं। इसके रास्ते में कभी आग लगा देते थे तो कभी इसके ऊपर रात को अटैक वटैक करके भाग जाते ऐसे। और आखिर में तो बहुत बड़ी आर्मी, उसी की जितनी बड़ी आर्मी एक और आ रही थी उससे लड़ने के लिए, जिस पर उसने एक लेटर भेजा था एमन टारगेरियन को और बोला था हमारी हेल्प करने के लिए आओ। लेकिन एमन बोलता है असली खतरा कौन है, असली खतरा मेरे अंकल डेमन टारगेरियन है। तो वीडियो को करता है शुरू फुल सीजन 3 के स्पॉयलर्स के साथ में। बैटल ऑफ गुलेट के होने के लगभग 15 दिनों के बाद में साउथ के अंदर जो लॉर्ड्स ब्लैक्स को सपोर्ट करते थे उनकी और ओरमंड हाईटावर जो कि ग्रीन्स को सपोर्ट करता है इनकी आर्मी का क्लैश होता है। ओरमंड हाईटावर अपनी सारी फौज लेकर किंग्स लैंडिंग की तरफ आ रहा था, लेकिन वो ज़्यादा भी इधर नहीं आया था। अभी रीच में वो बीच की साइड में चल रहा था कि दो अलग अलग साइड से उसके ऊपर सेनाएं आके अटैक करने वाली थी और दोनों ब्लैक्स को सपोर्ट करती है। एक तरफ से थॉर्डस रोवन लॉर्ड ऑफ गोल्डन ग्रोव आ रहे थे जिनके पास में ओरमंड के बराबर की सेना थी, और दूसरी तरफ से टॉम फ्लावर्स जो कि एक बास्टर है बीटर ब्रिज का, वो आ रहा था अपनी सेना को लेकर। तो ये ओरमंड हाईटावर इन दोनों सेनाओं के बीच में फंस गया था, इसको दो मोर्चों के ऊपर लड़ाई करनी होगी। अब इस ओरमंड हाईटावर की यहीं पर प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई, इसके अलावा इसके रास्ते में जो दिक्कतें कर रहे थे एलन टार्ली और एलन बिस्बरी वो भी ब्लैक्स की इन आर्मीज के साथ में मिल जाते हैं। और जो लॉर्ड ओवन कोस्टाने होता है जो कि इनके पीछे से रसद सामग्री आ रही थी, मतलब कि खाना पानी का सारा इंतजाम जिसको उसने पहले ही तोड़ दिया था, अब वो भी ब्लैक्स को सपोर्ट करने के लिए रोवन से मिल जाता है। अब एक तरीके से देखो तो ओरमंड हाईटावर के ऊपर दो बहुत ही बड़ी बड़ी सेनाओं ने आके अटैक कर दिया है, और वो दोनों सेनाएं भी साउथ की ही है। यहाँ के आसपास के लॉर्ड्स हैं जो ब्लैक्स को सपोर्ट करते हैं वो सारे मिलके इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ओरमंड हाईटावर को इस चीज़ का पहले ही खतरा था, तो उसने एमंड को बुलाने की तो कोशिश की लेकिन एमंड आया ही नहीं। अब यहाँ पर एक नदी होती है जिसका नाम होता है हनीवाइन, वहीं पर इन सब का क्लैश होता है। ओरमंड हाईटावर की सेना को दो फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा था, एक तो गोल्डन ग्रोव की साइड में और दूसरा टॉम फ्लावर्स के साइड में। अब यहाँ पर ओरमंड हाईटावर के ऊपर ब्लैक्स को सपोर्ट करने वालों की सेना भारी पड़ जाती है और इसके सारे सैनिक यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। कई सारे हाईटावर्स के सिपाही मारे जाते हैं, और जो साउथ से एक बहुत बड़ी हेल्प किंग्स लैंडिंग की तरफ जा रही थी उसमें अब बहुत बड़ी दखल आ गई थी। अब वहाँ पर लड़ रहे दोनों तरफ के सैनिक कोई भी बता सकता था कि अगर थोड़ी सी देर, लगभग 2-3 घंटे अगर और ये वॉर चला तो ओरमंड हाईटावर और इसकी सेना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। फ्रंट और बैक दोनों तरफ से अटैक होने की वजह से हाईटावर्स की सेना अब बिल्कुल ख़राब कंडीशन में थी। अब इतने में ही वहाँ पर बैटल ग्राउंड में ऊपर की साइड में एक बड़ी सी छाया देखने को मिलती है, और जब वो छाया यानी कि वो ड्रैगन आसमान से दहाड़ता है तो नीचे जो भी सैनिक सारे लड़ रहे होते वो सब थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और सब देखने लग जाते आखिर कौन आ गया है। ब्लैक्स ने तो किसी को बुलाया नहीं था, तो इसलिए ये जो ग्रीन्स और ओरमंड हाईटावर था इसको लगा कि एमन टारगेरियन आ गया, लेकिन वो ड्रैगन था टेसेरियन द ब्लू क्वीन जो कि कोबाल्ट और कॉपर कलर की है, और उसके ऊपर बैठा हुआ था डेरोन टारगेरियन जो कि एलिसेंट और विस्ट्रेस का सबसे छोटा वाला लड़का है। अभी ये केवल 15 साल का ही था और इसको बचपन में ओल्ड टाउन भेज दिया गया। यहाँ पर ये थोड़े दिन तो हर्बर्ट हाईटावर का कब बियरर रहा था। अब ये लॉर्ड ओरमंड का स्क्वायर बन गया था, स्क्वायर मतलब कि बहुत बड़े राजा, नाइट्स, कोई भी होता है उसके साथ में जो फॉलोअर्स चलते रहते हैं उसके असिस्टेंट्स, उसको कहा जाता है। प्रिंस डेरोन टारगेरियन काफ़ी जेंटल और बोलने में सॉफ्ट है, इसकी एज बिल्कुल जेकेरस वलेरन के जितनी ही है, और ये दोनों जब छोटे से थे तब इन दोनों की वेट नोट्स एक ही रखी गई थी क्योंकि विश्वास को लगता था अगर एक ही माँ से ये दोनों दूध पियेंगे तो फिर इनके अंदर थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी और ग्रीन्स और ब्लैक्स वाला ज़्यादा कुछ लफड़ा होगा नहीं। प्रिंस डेरोन और इसके टेसेरियन के आने से बैटल फील्ड में बिल्कुल बाजी पलट गई। जो ओरमंड हाईटावर के सैनिक पहले भाग रहे थे और हारने की कगार पर थे, अब ये ब्लैक्स के सैनिकों को पकड़ पकड़ के मार रहे थे। जो युद्ध पहले वन साइडेड और 2-3 घंटे का लग रहा था, अब उसके अंदर ब्लैक्स को सपोर्ट करने वाले मैदान छोड़ के भाग रहे थे वहाँ से। आखिरकार शाम हुई और फिर ये युद्ध ख़त्म हो गया।
लॉर्ड रोवेन जो कि बहुत बड़ी गोल्डन ग्लोब से एक सेना लेके आया था, लगभग ओरमंड हाइटावर के बराबर की सेना थी, उसकी काफ़ी कुछ सेना ख़त्म हो गई थी। अब वो नॉर्थ की तरफ यहाँ से बैटलफील्ड छोड़ के भाग गया था। टॉम फ्लोरेस जो कि एक बास्टर्ड था बीटर ब्रिज का और दूसरी साइड से अटैक करने आया था, अब वो मारा जा चुका था और उसकी आधी लाश जल भी चुकी थी। एलन बिसबरी और एलन टार्ली, हाँ ये दोनों वही लोग हैं जो बीच बीच में ओरमंड हाइटावर की सेना के दिक्कतें कर रहे थे और अभी लड़ने के लिए भी आ गए। इन दोनों को बंदी बना लिया गया। लॉर्ड कोस्टा ने जो कि पीछे से ओरमंड हाइटावर की जो भी ओल्ड टाउन से खाना पानी आ रहा था उसको तोड़ रहा था और उन लोगों को मार रहा था, उसको भी इस युद्ध के अंदर एक बंदा मार देता है जिसका नाम होता है जॉन रॉक्सटन। जॉन रॉक्सटन के पास में एक वेलरिन तलवार होती है जिसका नाम होता है ऑर्फन मेकर, उससे ये लॉर्ड कोस्टाने को काट डालता है। अब उस रात को वहाँ पर सिर्फ ब्लैक्स को सपोर्ट करने वालों की लाशें पड़ी थी, थोड़े बहुत ग्रीन्स के भी मरे थे लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं। उन लाशों को भेड़िए और कोए खा रहे थे और वहीं से थोड़े से दूर ग्रीन्स ने अपने कैंप रखे। ये बात तो ओरमंड हाइटावर भी जानता था कि अगर प्रिंस डेरोन आज अपना टेसरियन लेके यहाँ पर नहीं आता इसकी हेल्प करने, तो फिर रोवन इसकी गर्दन उड़ाकर सीधा हेरन हॉल लेके जाता या फिर ड्रैगन स्टोन। ओरमंड हाइटावर ने प्रिंस डेरोन टारगेरियन को फिस्ट किया और उनको एक स्ट्रॉन्ग वाइन पिलाई। आज ही के दिन डेरोन टारगेरियन को एक नाइट घोषित कर दिया गया और जो हाइटावर्स की ऑफिशियल हाउस की जो वलेरन तलवार होती है वो भी उसको दे दी, जो कि एक लॉन्ग स्वॉर्ड थी, यानी कि काफ़ी लंबी, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर आइस नहीं है वैसे, जिसका नाम था विगलेंस। उसके बाद में ओरमंड ने डेरोन को नाम दिया डेरोन द डेरिंग। अब इतना कुछ सम्मान मिला लेकिन प्रिंस डेरोन टारगेरियन बहुत ही हम्बल टाइप का आदमी होता है और बहुत सॉफ्टली बात करता है। ये बोलता है, मेरे लॉर्ड ओरमंड हाइटावर तो मेरे ऐसे ही प्रशंसा कर रहे, असली प्रशंसा का हकदार तो मेरा ड्रैगन टेसेरियन है जिसने लड़के आज की पूरे युद्ध की बाजी पलट दी। इधर ड्रैगनस्टोन पर बैटल ऑफ गुलेट भले ये ब्लैक्स जीत गए हो लेकिन उसका कोई सेलिब्रेशन नहीं था, इन्होंने जिन चीज़ों को खोया था उसका ज़्यादा दुख था यहाँ पर। और उसके थोड़े से दिनों बाद में बैटल ऑफ हनीवाइन, यानी कि ये जो साउथ में अभी लड़ाई हुई है ग्रीन्स और ब्लैक्स वाली, इसकी खबरें वहाँ तक पहुँचती है। ब्लैक्स और दुखी हो जाते हैं कि हम वहाँ पर भी हार गए हैं। रेनीरा के कोर्ट में एक लॉर्ड होता है, लॉर्ड बार एमन, जो कि यहाँ पे क्राउनलैंड्स का ही होता है, छोटा मोटा वेसल लॉर्ड जो कि ड्रैगन स्टोन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो रेनीरा की साइड में आ जाता है। वो रेनीरा को आके बोलता है कि हमें एगोन सेकंड के सामने झुक जाना चाहिए, लेकिन रेनीरा इसकी ये बात नहीं मानती है और इसको जोर से डांट के वहाँ से भगा देती है। अब ये तो भगवान ही जाने कि आदमियों के दिल में क्या चल रहा होता है, लेकिन औरतों के दिल में क्या है ये तो भगवान भी नहीं बता सकता। पहले बेटे लूक के मरने से रेनीरा बिल्कुल अंदर से टूट गई थी और वो ब्लैक काउंसिल्स को भी अटेंड नहीं कर रही थी, लेकिन अब सेकंड बेटे जैक के मरने और उसके बाद में सबसे छोटा बेटा विसरेस के भी मरने पर अब इसके अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ आ गई। जैक की मौत ने इसको हार्ड बना दिया और इसके दिमाग में जितने भी सारे डर थे मरने के और अपने बच्चों के मरने के, वो सारे बाहर निकल गए। अब इसके दिल में कुछ बचा था तो वो सिर्फ नफरत, बदला और गुस्सा था। रेनीरा को भी पता था कि ग्रीन से ज़्यादा हम ब्लैक्स के पास में ड्रैगन से, तो अब ये उनको यूज़ करने वाली थी। इसको तो वैसे ही पहले केल्थीगर हाउस वालों ने दिया था सजेशन और रेनर्स ने भी यही सजेशन दिया था कि इनको यूज़ कर लेते ड्रैगन्स को, लेकिन उस टाइम ये सोच रही थी कि कहीं मैं मर जाऊँगी या फिर मेरे बच्चे मर जाएंगे। लेकिन अब ये सारे डर इसके मन से निकल गए थे, अब ये किसी भी कोस्ट पर जाकर उनसे लड़ने वाली थी। अब इसने ब्लैक काउंसिल को अटेंड करना शुरू कर दिया और इसका केवल एक ही लक्ष्य था, ये किसी भी तरह एगोन और उसके सारे सपोर्टर्स सबके ऊपर फायर एंड ब्लड की बारिश करेगी। और इसके लिए रेनीरा का ब्लैक काउंसिल से कहना था, आयरन थ्रोन पाने की कोशिश में कहीं मैं मर भी नहीं जाऊं, लेकिन बचेंगे तो वो एगोन और उसके सारे सपोर्टर्स भी नहीं हैं। अब इधर रेनीरा के जो दिमाग में चल रहा था शायद वही इधर किंग्स लैंडिंग में एमन टारगेरियन के दिमाग में भी चल रहा था। अब ये भी काफ़ी दिनों से परेशान हो चुका था ऐसे अपने भाई की जगह पर राज कर करके, ये बस सारे दुश्मन और ब्लैक्स को ख़त्म करना चाहता होता है। लेकिन इसका प्राइम फोकस रेनीरा नहीं होती है, इसके प्राइम फोकस पे डेमन टारगेरियन होता है। ये हमेशा से, शुरुआत से लेकर अभी तक पूरे वॉर के अंदर, ये डेमन को ही अपना खतरा मानता होता है। अभी प्रिंस डेमन टारगेरियन हेरन हॉल के अंदर होता है जहाँ पर कि उसने एक बहुत बड़ी आर्मी इकट्ठा कर ली होती है और भी थोड़ी बहुत इकट्ठा हो रही होती है। अब एमन टारगेरियन अपने सारे क्राउनलैंड्स और बाकी सारी जगहों से बैनर्स को बुलाता है और एक काउंसिल रखता है जिसके अंदर वो सबको बताता है उस डेमन टारगेरियन और हेरन हॉल के ऊपर अटैक करने वाला हूँ। इसके प्लान में था कि रिवरलैंड्स यानी कि जो हेरन हॉल है वहाँ पर हम दो साइड से अटैक करेंगे, एक तो ईस्ट से और दूसरा वेस्ट से। तो ट्राइडेंट और हेरन हॉल की जो फोर्सेस होगी यानी कि जिनको डेमन लीड कर रहा होगा, उनको दो जगह पर लड़ना पड़ेगा, दो फ्रंट्स पे, तो इससे वो कमज़ोर हो जाएंगे। वेस्ट की तरफ से जो सेना आएगी वो लेनिस्टर्स की होगी। एमन के कहने पर जेसन लेनिस्टर एक बहुत बड़ी आर्मी को इकट्ठा कर लेता है।
जिस आर्मी के अंदर लगभग 1000 नाइट्स होते हैं और 7000 मैन एट आर्म्स और नॉर्मल सिपाही आर्चर्स वगैरह। तो लगभग ये 8000 की सेना वहाँ पर रियोलैंड्स में एक नदी है, वैसे तो वहाँ पर 3 नदियाँ हैं लेकिन जो इस साइड नदी आती है उसका नाम होता है रेड फोक, इसको पार करेगी और फिर हेरनल के ऊपर अटैक करेंगे। अब वैसे तो लेनिस्टर्स हो गए लेकिन इससे जो अटैक करने वाला था वो था क्रिस्टन कॉल और उसकी आर्मी। इस आर्मी को लीड तो हैंड ऑफ द किंग क्रिस्टन कॉल ही करेंगे लेकिन एमन टारगेरियन अपने वगार के साथ में इसी आर्मी के साथ में जाएगा किंग्स लैंडिंग से हेरनहोल। एमन का कहना था कि ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से जब अटैक होगा तो दो फ्रंट पे डेमन टारगेरियन नहीं लड़ सकता और उसकी फौज नहीं लड़ पाएगी, और उसके बाद में जो हेरनहोल बीच में आएगा उसको हम क्रश कर देंगे दोनों सेनाओं के बीच में, ट्रेटर्स ऑफ ट्राइडेंट्स को, यानी कि ट्राइडेंट के गद्दारों को हम दोनों सेनाएं बीच में पीस डालेंगे। एमन ने कहा वैसे तो मेरा अंकल डेमन टारगेरियन अपोज करने के लिए नहीं आएगा लेकिन अगर वो आ गया तो फिर वो मेरे वगार से मिलेगा और वगार कैरेक्सेस से दो गुना है तो ये उसके ऊपर डोमिनेट कर देगा। और जब प्रिंस एमन टारगेरियन वापस वहाँ से यहाँ पर आएगा किंग्स लैंडिंग तब उसके हाथ में डेमन टारगेरियन की कटी हुई मुंडी होगी। अब ये सारा प्लान एमन टारगेरियन ग्रीन काउंसिल को बताता है लेकिन ज़्यादा कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। इसका सपोर्ट करने वाले ग्रीन काउंसिल में केवल क्रिस्टन कॉल और टायलेन लेनिस्टर थे, और वैसे एमन को जरूरत भी इन दोनों की थी क्योंकि दोनों साइड से अटैक तो यही करने वाले हैं। ग्रैंड मास्टर ओरवेल कहते हैं कि हमें स्टॉर्मलैंड्स को रेवन भेजना चाहिए और उनकी हेल्प मांगनी चाहिए, उनकी सारी सेना भी यहाँ पे आनी चाहिए। आयरन रोड लॉर्ड जस्पर कहते हैं कि हमें साउथ के अंदर से हाईटावर्स की सेना को भी बुलाना चाहिए और उसके साथ में डेरोन टारगेरियन को भी। ग्राउंड पर दो ड्रैगन्स एक से बेहतर होंगे और अच्छे से लड़ पाएंगे। एमन की माँ एलिसेंट भी इस बारे में इसको कहती है कि जब तक सनफायर और उसका ड्रैगन राइडर एगोन सेकंड किंग ऑफ सेवन किंगडम्स जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, जब वो ठीक हो जाएंगे तब उनके साथ में तुम जाना। लेकिन प्रिंस एमन टारगेरियन को ऐसे ढीले काम पसंद नहीं होते, ये सबको बताता है कि इसको इसके भाइयों के ड्रैगन्स की कोई ज़रूरत नहीं है। एगोन और उसका ड्रैगन बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो चुके हैं, अब वो सही से लड़ नहीं सकते तो उनको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, और डेरोन टारगेरियन अभी काफ़ी छोटा है तो उसको ऐसे वॉर्स के अंदर नहीं उतार सकते हैं। फिर ये ग्रीन काउंसिल से कहता है हाँ कैरेक्सेस काफ़ी बड़ा है जिसने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वगार के ऊपर डोमिनेट कर पाए। वगार एज्ड है और उससे लगभग दो गुना बड़ा तो ये उसके ऊपर पक्का डोमिनेट कर लेगा। अब हिस्ट्री में कुछ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग किंग्सलेयर एमन टारगेरियन अपनी जीत के अंदर दूसरे लोगों को अपने भाइयों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता होता है, वो सोच रहा होता है कि सिर्फ मैं अकेला जाऊं और जीत के आ जाऊं, इसलिए इन दोनों को साथ में नहीं ले रहा होता है। और वैसे भी एमन टारगेरियन इतने दिन रुकने भी नहीं वाला था कि जितने दिनों में एगोन सेकंड टारगेरियन अपने बेड से उठे और जो इतने नशे में रहता है हर टाइम वो वापस उठ के लड़ने की हालत में आ सके। अब एमन टारगेरियन ने जो बैनर्स बुलाए थे इस पर इसके पास में लगभग 4000 सिपाही आ जाते हैं। अब जब ये सेना लेके यहाँ पे किंग्स लैंडिंग से रवाना होता है तब ये कहता है 16 दिनों के सफ़र में हम हेरनहोल पहुँच जाएंगे और 17वें दिन हम ब्लैक हेरन के हेरनहोल के अंदर होंगे और वहाँ पे दावते उड़ा रहे होंगे और वहीं पे पास में मेरे एक भाले के ऊपर डेमन टारगेरियन की लटकी हुई मुंडी होगी। अब यहाँ से एमन टारगेरियन और क्रिस्टन कॉल ऐसे भारी वाले दावे करके किंग्स लैंडिंग से निकल जाते हैं हेरनहोल की तरफ। दूसरी तरफ जेसन लेनिस्टर जो कि लॉर्ड ऑफ कास्टली रोके और जिसने 8000 लोगों की सेना इकट्ठी कर दी है वो भी रिवरलैंड्स की तरफ रवाना होता है और यहाँ पे रेड फोक नदी होती है यहाँ पे पहुँच जाता है। अब ये नदी काफ़ी बड़ी होती है और इसके ऊपर कोई पुल वगैरह नहीं होता है, लगभग 8000 लेनिस्टर सिपाहियों को इसको पार करना होता है। इधर डेमन टारगेरियन वो शायद काफ़ी बुढ़ा हो चुका था या फिर वो लड़ना नहीं चाह रहा था, आलस कर रहा था, वो अपनी मोटी और स्ट्रॉन्ग हेरनहोल की दीवारों के अंदर शांति से बैठा रहा। वैसे तो अभी भी प्रिंस डेमन टारगेरियन के किंग्स लैंडिंग में कई सारे दोस्त हैं। इसके नेफ्यू यानी कि एमन टारगेरियन ने जो नया नया प्लान बनाया और जिस तरह से वो अटैक करने के लिए आ रहा है, जब एमन वहाँ से रवाना भी नहीं हुआ था किंग्स लैंडिंग से तभी ये सारा प्लान डेमन के पास में पहुँच जाता है। जब इसके पास में खबर आती है कि प्रिंस एमन टारगेरियन और क्रिस्टन कॉल इससे लड़ने के लिए यहाँ पे हेरनहोल आ रहे हैं तो ये जोर जोर से हंसता है और कहता है पास्ट टाइम, शायद ये इतने दिनों से इसी मूवमेंट का इंतजार कर रहा था कि कब वो यहाँ पे अटैक करने के लिए आया है। किंग पायर्स टावर जो कि यहाँ का सबसे बड़ा टावर है हेरनहोल का, जिसके अंदर डेमन टारगेरियन रहता है और वही सबसे रॉयल टावर होता है, वहाँ से कई सारे रेवेंस उड़ते हैं लेकिन किसी को भी नहीं पता डेमन टारगेरियन ने किसको भेजे। अभी तो रेड फोक यानी कि उस नदी के इस पार जेसन लेनिस्टर की 8000 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स की सेना यहाँ पे पहुँच चुकी होती है।
नदी के दूसरी तरफ रिवरलैंड्स के कुछ एक लॉर्ड्स यहाँ पे उससे लड़ने के लिए पहुँच जाते हैं। इन लॉर्ड्स में पीटर पाइपर होता है जो कि लॉर्ड ऑफ पिंक मेडन है। इसके अलावा लॉर्ड वेफरस भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। वैसे तो लेनिस्टर्स के सिपाही इन रिवरलैंड्स के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये जो रेड फॉक नदी है और यहाँ की सारी ज़मीन, यहाँ के सारे पहाड़ियाँ, ये सब रिवरलैंड्स के सैनिक अच्छे से जानते होते हैं। लेनिस्टर सेना पूरी तीन बार कोशिश करती है कि उस नदी को पार कर ले, लेकिन ये जो रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स होते हैं और इनकी सेना उनको पार नहीं करने देती है। तीनों अटेम्प्ट्स में उनको फेल कर देती है। तीन बार असफल होने के बाद में लेनिस्टर आर्मी चौथी बार वापस कोशिश करती है और इस बार वो सफल हो जाती है रेड फॉक नदी को पार करने में, लेकिन उसकी उनको एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। होता कुछ यूँ है कि पीटर पाइपर जो कि लॉर्ड ऑफ पिंक मेडन है, वो एक बुड्ढा सा आदमी होता है, तो जेसन लेनिस्टर देखता है कि मैं जाके इसको मार डालता हूँ, लेकिन उसके साथ में एक पेटे ऑफ लॉन्ग लीफ होता है, यानी कि एक बंदा होता है जिसका नाम होता है पेटे, जो कि हाउस लॉन्ग लीफ का। वो इस बुड्ढे से पीटर पाइपर का स्क्वायर होता है, यानी कि एक असिस्टेंट, वो बीच में आ जाता है और जेसन लेनिस्टर को मार डालता है। पेट ऑफ लॉन्ग लीफ जो कि एक नॉर्मल सिपाही होता है, उसने एक बहुत बड़े जेसन लेनिस्टर जैसे लॉर्ड को मार डाला, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इस पर खुश होकर लॉर्ड पीटर पाइपर इसको नाइट बना देते और इसके नाम में घोषणा कर देते कि आज से इसको लॉन्ग लीफ द लायन स्लेयर कहा जाएगा, यानी कि इसने एक लायन को मार डाला, इसलिए लायन स्लेयर। जेसन लेनिस्टर के मरने के बाद में एडरिन टारबेक लेनिस्टर सेना की कप्तानी करता है। हाँ, ये वही हाउस है टारबेक जिसके साथ में टाइमिन लेनिस्टर रेंस ऑफ कास्टमर में लड़ता है, वो अपन ने बात की थी, वही वाला। एडरिन टारबेक क्या करता है, उस पूरी लेनिस्टर आर्मी में से 100 नाइट्स को चूज करता है जो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। फिर उन सब के क्लोक्स यानी कि कवच को खुलाकर जैसे तैसे उनसे नदी पार करवाता है अपने साथ में, और उसके बाद में ये इस साइड में आ जाते हैं जहाँ पर कि सारे ब्लैक्स वाले लॉर्ड्स है। अब यहाँ पे आके एडरिन टारबेक अपने 100 नाइट्स के साथ में जो हाउस वेंसेस के लॉर्ड होते हैं उनको बीच में घेर लेता है और फिर चारों तरफ से अटैक करके उनको अपने सिपाहियों की मदद से मार डालता है। अब वैसे यहाँ पर ब्लैक्स की तरफ से बहुत कम ही लोग लड़ने के लिए आए थे, बहुत कम सिपाही थे, एक दो लॉर्ड ही थे, तो इसको मरते हुए देख के बाकी सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं ब्लैक्स के। और इसके बाद में जो इनको नदी नहीं पार करने दे रहे थे, अब ये लेनिस्टर सेना आराम से नदी पार कर सकती थी। अब हजारों की संख्या में लेनिस्टर आर्मी नदी पार करके इस साइड आने लगी। अब जेसन लेनिस्टर तो यहाँ पे नदी पार करते हुए मर जाता है और इसकी सारी फौज यहाँ पे होती है, सारे बैनर्समैन वगैरह 8,000 की पूरी फौज इसकी यहाँ पर है। तो पीछे से क्या होता है, जो कास्टली रॉक है उसके ऊपर अटैक हो जाता है। ये अटैक आता है आयरन आइलैंड से, वहाँ पर जो डेल्टन ग्रेजॉय होता है वो अपनी बहुत सारी फ्लीट्स को लेकर यहाँ पे लेनिस्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है। कास्टली रॉक का जो मेन किला होता है उसकी जो राजमाता होती है लेनिस्टर्स की, लेडी जोना, वो तो उसको बंद करवा देती है, सारे गेट्स वगैरह बंद करा देती है और थोड़े बहुत सोल्जर्स होते हैं उनको अंदर ले लेती है। लेकिन लेनिस्पोर्ट का पूरा शहर अब डिफेंड नहीं हो सकता था क्योंकि सारी की सारी सेना तो यहाँ पे लड़ने के लिए आ गई डेवन टारगेरियन से, तो वहाँ पर कोई बचा नहीं था उनको डिफेंड करने के लिए। फिर भी लेडी जोना कास्टली रॉक के बाद में लेनिस्पोर्ट के भी गेट बंद करवा देती है और कोशिश कर रही होती है कि वो आयरन आइलैंड के सिपाही यहाँ पे नहीं आ पाए। डेल्टन ग्रेजॉय यहाँ पे अपने साथ में बहुत सारे फ्लीट्स लेके आया होता है और यहाँ पे जो लेनिस्टर्स के पास में फ्लीट्स होती है उनके ऊपर ही अटैक कर देता है। लगभग 1/4 यानी कि 25% तो इनकी डुबा देता है और बाकी सारी को सीज कर लेता है, अपने साथ में ले जाता है। अपने साथ में वो सिर्फ यही नहीं लेके जाता है, लेनिस्पोर्ट के भले ही सारे गेट्स बंद कर रखे हो लेकिन वो डिफेंड नहीं हो सकता था। ग्रेजॉय के कई सारे सैनिक दीवारों को कूद कर लेनिस्पोर्ट के सिटी के अंदर आ जाते हैं। कास्टली रॉक का मेन किला, इसको वो कुछ भी नहीं करते लेकिन बाहर जो लेनिस्पोर्ट सिटी होती है वहाँ से थोड़ी बहुत लूट मचाते हैं, कई सारा गोल्ड वगैरह अपने साथ में ले जाते हैं। इसके अलावा लेनिस्पोर्ट की यहाँ के लेनिस्टर्स की 600 औरतें होती है जो कि खूबसूरत लड़कियाँ या फिर औरतें होती है, उनको पकड़ के अपने साथ में ले जाते हैं। तो लेनिस्टर आर्मी की अब्सेंस में कास्टली रॉक और लेनिस्पोर्ट से कई सारी औरतों को और 3/4 ऑफ यहाँ की फ्लीट्स होती है, शिप्स, उनको लेके चला जाता है डेल्टन ग्रेजॉय। अब वॉर सिर्फ एक फ्रंट के ऊपर नहीं हो रहा है, अब देखो मैं गिनाता हूँ तुम्हें। सबसे फर्स्ट क्रिस्टन कोल और एमंड आर्मी लेके आ रहे हैं डेमन की तरफ, दूसरा रेड फॉक के वहाँ पे लड़ाई हो रही है, तीसरा यहाँ पे लेनिस्पोर्ट के यहाँ पे अटैक हो गया, और चौथा अभी बताता हूँ। अब वेस्ट्रोस में एक जगह है जिसका नाम है मेदन पुल, वहाँ के लॉर्ड होते लॉर्ड वेल्सेस मिटून, ये अपने साथ में 100 नाइट्स को इकट्ठा करता है, वैसे ये ब्लैक्स को सपोर्ट करता होता है। अब ये 100 नाइट्स और कुछ एक सैनिकों की सेना लेकर मेदन पुल से बाहर की साइड निकलता है। वहाँ पर इसको मिलते केल्थीगार्स, क्रेप्स एंड ब्रूनेस, यानी कि ये सारे जो भी लोग हैं क्लोकल्स पॉइंट के, केल्थीगार के और ये मेदन पुल का, ये सब लोग ब्लैक्स और रेनीरो को सपोर्ट करते होते हैं। तो ये सब तीनों एक साथ में मिलकर एक छोटी सी आर्मी बना देते हैं।
अब ये पहाड़ियों और जंगलों में से होते हुए जाते रू क्रेस्ट के ऊपर, वही जगह जहाँ पर कि रेनेस और मेलेस मरे थे और उसके बाद में उस किले को ग्रीन्स ने ले लिया था। तो ये सारे छोटे मोटे लॉर्ड्स वहाँ पर जाते और एक ठीक ठाक आर्मी के साथ में रू क्रेस्ट के ऊपर अटैक कर देते। वो किला वैसे ग्रीन्स के पास में होता है, लेकिन इनका अटैक बिल्कुल सरप्राइज अटैक होता है, तो वो लोग इनको ज़्यादा देर झेल नहीं पाते और फिर वो लोग खुद सरेंडर कर देते हैं। अब रू क्रेस्ट का किला, जो एक बार एमन टारगेरियन और क्रिस्टन कॉल ने यहाँ पे आके जीता था, वो वापस ब्लेक्स के पास में आ चुका था। रू क्रेस्ट को वापस जीतने के बाद में लॉर्ड वेल्सन मिटून, जो कि लॉर्ड ऑफ मेदन पुल है, वो अपने 100 सबसे ब्रेवेस्ट नाइट्स को लेते इस पूरी ज्वाइंट आर्मी में से। इन सेलेक्टेड नाइट्स का मिशन होता है कि जो सनफायर ड्रैगन रू क्रेस्ट के बाहर बैटल ग्राउंड के अंदर पड़ा हुआ है, उसको जाके मारना है। अब सबसे पहले तो वेल्सन मिटून और इसके ये जो स्पेशल नाइट्स होते, ये सारे लोग जाकर वहाँ पे जो ड्रैगन्स का ख्याल रखने वाले लोग होते, क्रिस्टन कॉल यहाँ पे कुछ लोगों को छोड़ के जाता है इसको खाना वाना खिलाने के लिए, उनको जाके ये सबसे पहले निपटा देते हैं। उन सिपाहियों को निपटाने के बाद में ये देखते हैं कि दूर की साइड में एक बड़ा सा गोल्डन कलर का कीड़ा जैसे पड़ा हुआ होता है। काफ़ी दूर से देखते हैं उस ड्रैगन को, इसलिए उसका एक पंख भी टूटा हुआ होता है जो कि रास्ते में पड़ा होता है। ये सब लोग अब उसकी तरफ अटैक करते हैं। वैसे तो अभी इतनी देर से ड्रैगन सो रहा होता है, लेकिन वो जब देखता है कि बहुत सारी तलवारें बज रही है और कई सारे हॉर्स राइडर्स इसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो जाग जाता है। सनफायर ड्रैगन अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि ये सारे लोग इसकी तरफ क्यों आ रहे हैं। फिर ये सारे लोग इसके पास में पहुंच जाते हैं और इसके ऊपर भाले मारना शुरू करते हैं। जब सनफायर के ऊपर पहला भाला लगता है तो वो समझ जाता है कि ये सब लोग किसके लिए आए हैं। फिर वो भी गुस्से के अंदर आ जाता है और इन सबको मारना शुरू करता है। कई सारों को तो वो जला देता है और कई सारों को वहीं पर अपने पैरों से मार देता है। लेकिन यूँ भी नहीं था कि ये सारे नाइट्स इतने कमज़ोर थे, इन्होंने भी उस सनफायर के ऊपर कई सारे ऐसे घाव किए जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, उसका एक पंख तो टूटा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो पूरी 3 बार कोशिश करता है आसमान में उड़ने की, लेकिन 3 बार वापस नीचे गिर जाता है। वेल्सन मिटून और इसके सारे बचे हुए नाइट्स वापस इसके पास में आते हैं और इसके ऊपर भाले, तीर, कुल्हाड़ियाँ, जो भी उनके पास में अस्त्र शस्त्र होते हैं, सारे इसके ऊपर मारना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा जख्मी कर देते इस ड्रैगन को, लेकिन ड्रैगन भी मर रहा नहीं होता है, ये उल्टा उन लोगों को मारे ही जा रहा था। कई बार उनके ऊपर आग छोड़ देता तो कई बार उनको अपने पैरों के नीचे दबा देता। सनफायर के लगने वाले हर गांव के साथ में इसका गुस्सा और इसका जो प्रहार होता है वो बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे तो काफ़ी जख्मी होने के बावजूद भी इसने वहाँ के आए हुए 60 लोगों को मार डाला। जब इतने ज़्यादा लोग मर गए तो बचे खुचे लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। 60 मरे हुए लोगों में से वेल्सन मिटून भी थे, जो कि लॉर्ड ऑफ मेडन पूल है, लेकिन जो भी लोग यहाँ से भाग के गए थे और रू क्रेस्ट के अंदर थे ब्लैक्स के लोग, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस उस सनफायर के पास में जाए। ये सब होने के 15 दिनों के बाद में मैनफ्रेड मिटून, जो कि वेल्सन मिटून का छोटा भाई होता है, वो वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जाकर देखता है तो इसके भाई की लाश पड़ी हुई होती है और वो आधी जली हुई होती है। उसका जो भी आर्मर होता है वो पिघल जाता है और उसके मांस के अंदर मिक्स हो जाता है। कई सारे लोग और लगभग 100 घोड़ों की मरी हुई लाशें पड़ी होती है वहाँ पे। इसके बाद में लॉर्ड मैनफ्रेड मिटून ट्राई करते कि सनफायर को ढूंढे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। इन सबको मारने के बाद में पता नहीं वो कहाँ पे गायब हो गया था। शायद वो कहीं जंगलों के अंदर चला गया था, या फिर कुछ लोगों का तो यूँ भी कहना है कि उसके एक नया पंख आ गया था और अब वो यहाँ से उड़ के कहीं चला गया है। लॉर्ड मैनफ्रेड मिटून कई बार कोशिश करते उसको ढूंढने की, आसपास का सारा इलाका छान लेते जहाँ तक कि वो रगड़ा के जा सकता है, लेकिन सनफायर ड्रैगन कहीं पर भी नहीं दिखता है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखना कि जेसन लेनिस्टर और क्रिस्टन कॉल दोनों अलग अलग साइड से डेमन के ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो फिर उनकी फाइट का क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल तो मुझे क्या एसोस की तरफ जाना है, वहाँ की एक सिटी है जिसका नाम है एशाई। वहाँ पर मुझे घूमने के लिए नहीं जाना है, बस ये पता करने के लिए कि एलिसियन रिवर सच में कोई जादूगरनी है या फिर नॉर्मल वूमेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।